अब इस वीडियो में हम देख रहे हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज ऑफ कंपाइलर। इन दिस फेज द सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन टू मेक कोड जनरेशन प्रोसेस सिंपल एंड इजी। तो फेजेस ऑफ कंपाइलर में पहले हमने देखा लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर क्या जनरेट कर रहा था? सीक्वेंस ऑफ टोकन्स जो इनपुट मिल रहे थे किसको? सिंटेक्स एनालाइजर को। सिंटेक्स एनालाइजर उसका पार्स ट्री क्रिएट कर रहा था अगर स्टेटमेंट्स करेक्ट सिंटेक्स में है तो। अगर स्टेटमेंट करेक्ट सिंटेक्स में है आपने लिखा है तो उसको वो पार्स ट्री में कन्वर्ट कर देता है, और ये पार्स ट्री इनपुट जाता है सिमेंटिक एनालाइजर को। सिमेंटिक एनालाइजर उस पार्स ट्री में सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री क्रिएट करता है, और वो पार्स ट्री जो है किसके पास इनपुट आता है? इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के पास। और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करता है? उस पार्स ट्री को एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कोड जनरेशन यानी कि जो हमें लो लेवल का कोड जनरेट करना है वो ईजी हो जाए। दिस इंटरमीडिएट कोड इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और ये जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये किसी मशीन पे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। दिस फेज कम्प्लीट द फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलेशन। तो ये जो फेज है ये फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलेशन को कम्प्लीट करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर जो है वो दो फेसेस में वर्क करता है, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। तो फ्रंट एंड में आता है लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर और इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन। फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर को कौन कंप्लीट करता है? इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड्स आर मशीन इंडिपेंडेंट कोड्स बट दे आर क्लोज टू मशीन इंस्ट्रक्शन। तो क्यों हम इंटरमीडिएट कोड में जनरेट कर रहे हैं हमारे सोर्स कोड को? क्योंकि वो वेरी क्लोज टू होता है मशीन इंस्ट्रक्शन, यानी उसमें से हम मशीन कोड को इजीली जनरेट कर सकते हैं। मैनी स्टाइल्स ऑफ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन आर पॉसिबल, लाइक 3 एड्रेस कोड, 2 एड्रेस कोड। ठीक है, ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर सकते हैं, जिसमें से जो पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर है, वो है 3 एड्रेस कोड। तो 3 एड्रेस कोड इज़ वन ऑफ द पॉपुलर इंटरमीडिएट कोड। इट इज़ कॉल्ड एज 3 एड्रेस कोड बिकॉज ईच स्टेटमेंट कंटेन्स एटमोस्ट 3 ऑपरेंड्स इन एडिशन टू असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू। इसको 3 एड्रेस कोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इक्वल्स टू के अलावा इसके पास मैक्सिमम 3 ऑपरेंड्स हो सकते हैं। जैसे इस स्टेटमेंट को देखो तो हमने लिखा है टेम्प 2 इक्वल्स टू ID3 इंटू टेम्प 1, तो ये 1 ऑपरेंड, 2 ऑपरेंड, 3 ऑपरेंड, तो मैक्सिमम 3 ऑपरेंड्स हो सकते हैं 3 एड्रेस कोड में, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ऐसे ही 2 एड्रेस कोड में क्या होता था? मैक्सिमम 2 ऑपरेंड्स हो सकते थे। तो 3 एड्रेस कोड जैसे ये पार्स ट्री क्रिएट किया किसने? सिमेंटिक एनालाइजर ने। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इंटरमीडिएट 3 एड्रेस कोड होगा वो क्या होगा? सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा? 60 जो है इंटीजर से रियल में कन्वर्ट होगा। तो हमने क्या, इंट टू रियल 60 इक्वल्स टू टेम्प। तो टेम्प में क्या स्टोर हो गया? 60 को रियल में कन्वर्ट करके जो वैल्यू आई वो टेम्प में स्टोर हो गई। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? ID3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए टेम्प 1 के साथ। तो हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में वही लिखा है। फिर क्या होगा? ID2 के साथ ये वाली वैल्यू जो है टेम्प 2 की वो ऐड हो जानी चाहिए और टेम्प 3 में स्टोर हो जाएगी। और फाइनली जो टेम्प 3 की वैल्यू है वो उसे हमें किस में ट्रांसमिट करना हो, किस में मूव करना होगा? ID1 में। तो इस पार्स ट्री के करस्पॉन्डिंग ये जो है इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा, जो कि 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में है।